दोस्तों अभी आप फिलहाल में देखे होंगे कि यूपीआई को लेकर हैशटैग काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, यानी कि अब अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं स्कैन करके किसी के पास भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो अब यहां पर आपको इंटरचार्ज फीस 1.1% देना होगा। जो कि ये मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल है कि अगर आप किसी के पास भी स्कैन करके यानी यूपीआई पेमेंट करते हैं तो अब से आपको इंटरचार्ज फीस 1.1% देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका हैशटैग यूज किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं, क्या सच में यूपीआई पेमेंट करने पर चार्ज कटेगा या नहीं कटेगा, और अगर चार्ज कटेगा तो किसका कटेगा। अगर कोई किसी दूसरे के पास यूपीआई पेमेंट कर रहा है स्कैन करके तो जो पेमेंट कर रहा है उसका कटेगा, या फिर जिसके पास पैसा रिसीव हो रहा है क्या उसका कटेगा। तो बहुत सारे आप लोगों के मन में सवाल होगा, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपका जो भी सवाल है सारे सवालों का यहाँ पर सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। और क्या सच में चार्ज कटेगा या नहीं कटेगा, तो अब से हमें क्या यूपीआई पेमेंट करना है या नहीं करना है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि NPCI के थ्रू से एक ट्वीट किया गया है और इसमें एक लेटर जारी किया गया है। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि किन लोगों को इसमें 1.1% का UPI पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ेगा और किसको नहीं देना पड़ेगा, और कितना UPI पेमेंट करने पर चार्ज लगेगा। तो लेकिन इसमें इंग्लिश में है तो हम इसको हिंदी में चाहते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझा सकें, इसलिए यहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के दौर में UPI पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन है लेन देन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे में क्या है कि अब UPI में 1.1% का चार्जेस लगा दिया गया है। अब आप लोग कहेंगे कि अब हम UPI पेमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका सोच सही है और मेरा भी सोच यही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी लोगों को UPI पेमेंट करने पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि कुछ ही लोगों को यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको पूरा क्लियर नहीं हो रहा है कि किन लोगों को देना है और किन लोगों को नहीं देना पड़ेगा। पेमेंट किसी के पास ट्रांसफ़र करने पर चार्ज लगेगा, या फिर पेमेंट अगर रिसीव हो रहा है तो उसमें हमें चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको एक भी रुपया चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होने वाला है। हाँ, जिसके पास पेमेंट रिसीव हो रहा है UPI के थ्रू से उसी का यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। तो आप सभी को पता है कि मार्केट जब हम लोग जाते हैं तो हर एक दुकान में, ठेले में या फिर सब्जी वाले के पास, वहाँ पर आपको एक स्कैनर दिखाई देता है जो कि सभी लोगों के पास होता है। तो इन लोगों के पास जो स्कैनर होता है, QR कोड जो आप लोग देखते हैं, उसका मर्चेंट का स्कैनर होता है। तो दोस्तों उसमें अगर आप स्कैन करके पेमेंट उसको देते हैं तो उसमें आपका एक भी रुपया चार्ज नहीं कटेगा। चार्ज किसका कटेगा, जिसके पास रिसीव हो रहा है उसका चार्ज कटने वाला है, वो भी 1.1% चार्ज कटेगा। और 1.1% का चार्ज कटने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं कि हम मार्केट गए हैं और मार्केट में हमने 2000 का सामान लिया कोई भी दुकान से, चाहे वो सब्जी का दुकान हो या फल का व कोई भी शॉप या कोई भी दुकान हो। तो अगर हम 2000 से अधिक का शॉपिंग किए और जो भी हम पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं उसका जो मर्चेंट स्कैनर लगा हुआ है उसमें हम स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो 2000 से जब अधिक हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं, मर्चेंट होता है यानी जो दुकानदार होता है उसके अकाउंट से 1.1% का चार्जेस कटेगा। यानी कि दोस्तों कस्टमर का यहाँ पर एक भी रुपया नुकसान नहीं होने वाला है। जो मर्चेंट यूज करते हैं, जो स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का यहाँ पर 1.1% का चार्जेस लगने वाला है। कितना ट्रांजैक्शन होने पर, 2000 से अधिक अगर कोई भी मर्चेंट आईडी पर ट्रांसफ़र कर रहा है तब 1.1% का चार्जेस कटने वाला है। अगर 1999 रुपया भी कोई मर्चेंट पर स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र करता है तो इसमें आपका एक भी रुपया चार्ज नहीं कटेगा, यानी कि 2000 से अधिक हो जाएगा तो आपको 1.1% का चार्ज लगने वाला है। तो दोस्तों इसमें क्लियर हो गया कि कस्टमर का यहाँ पर एक भी रुपया नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर नुकसान उसी का होने वाला है जो दुकानदार है, जो मर्चेंट आईडी को यूज कर रहे हैं, मर्चेंट स्कैनर यूज कर रहा है, तो उन लोगों का यहाँ पर चार्ज लगेगा 1.1%, जो कि ये इंटरचार्ज फीस होता है।
तो दोस्तों अब आप लोग सोचेंगे कि हम दुकानदार में, तो दोस्तों अगर आप एक दुकानदार हैं, हम भी एक दुकानदार हैं, शायद आप लोग को पता नहीं होगा, तो अब आप लोग सोचेंगे कि हम दुकान में अपना मर्चेंट क्यूआर कोड को नहीं रखेंगे। दोस्तों वैसा कुछ भी नहीं है, समझ लेते हैं कि अगर आपका कोई छोटा मोटा शॉप है, आप यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरा एक छोटा सा शॉप है, उसी तरह से अगर आपका कोई छोटा मोटा शॉप है, फल वगैरह अगर आप सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग 500, 600, 200 या 1000 रुपये तक का सामान खरीदते हैं और उसमें स्कैन करते हैं, यानी कि 2000 से कम में कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, आपके स्कैनर से पे करता है, तो उसमें आपका एक भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा। तब चार्ज लगेगा जब 2000 से ज़्यादा का कोई स्कैन करके ट्रांसफ़र करता है, तब उसमें आपका 1.1% चार्ज कटेगा। अगर आपका कोई छोटा मोटा शॉप है तो उसमें ज़्यादा आपका कोई भी ट्रांसफ़र नहीं करता है, ज़्यादा 200, 300, 500, 1000 तक का ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो इसमें आपको नहीं टेंशन लेना है, एक भी रुपया नहीं चार्ज लगेगा। चार्ज जो कि काफ़ी सारे लोग अफवाह फैला दिए थे कि अब आप किसी के पास भी ट्रांसफ़र करते हैं स्कैन करके तो आपका पैसा कट जाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर कस्टमर का एक भी रुपया घाटा नहीं होने वाला है। इससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि किसका पेमेंट कटेगा और किसका नहीं कटेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।